afternoon students, आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। इसका पार्ट 1 है 16 का। हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ये हमने एलसीएम ले लिया 16 का। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब हमने क्या करना है, 16 का स्क्वायर रूट ले लेना है। हमने ये पेयर्स काउंट करने हैं कि कितने हैं एलसीएम के। ये 1 pair एंड ये 2 pair। यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। ये टोटल हमारे पास 2 pairs हैं, एक ये और एक ये। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे। 2 square multiply by 2 square। यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 2 multiply 2 बच गया हमारे पास। अब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 27। 27 का अब हम एलसीएम ले लेंगे। 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 27 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, एलसीएम के पेयर्स काउंट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 का 1 pair है और 1 3 single है हमारे पास। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 multiply 3 multiply 3 लिखेंगे। उसके बाद 27 अवर स्क्वायर रूट 3 square multiply by 3। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं वैसे लिख देती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास इस 3 का स्क्वायर है और ये 3 हमारे पास सिंगल है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 is not a perfect square। 3 is not a perfect square। थर्ड पार्ट है 48। 48 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 के टेबल से करेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 24s are 48, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। कितने पेयर्स हैं, 1 pair 2 pair 3 single है हमारे पास। 48 का स्क्वायर रूट लेंगे, 2 multiply 2 ये 1 pair, multiply 2 multiply 2 ये 2 pairs एंड multiply 3 ये 1 single है, तो ये इसका कोई पेयर नहीं है। 48 is equal to square root 2 square multiply by 2 square multiply 3। 3 single है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देती हूँ। और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर इसके साथ स्क्वायर नहीं है, 3 के साथ स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिख देंगे 48 is not a perfect square। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 121 का हम एलसीएम ले लेंगे। 121 का एलसीएम 11 आता है। 11 11s are 121
एंड 11 ones are 11, ये वन पेयर हो गया। 121 का हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे, 11 multiply 11 स्क्वेयर आ गया क्योंकि ये एक पेयर है। 121 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एंड 11 स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, इज इक्वल टू 11, आंसर आ जाएगा 121 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर।